शारदीय नवरात्रि के नौवीं के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के बाद नौ देवी रूपी नौ कन्याओं का विधि विधान ने पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव पखारे और तिलक लगाकर चुनरी उड़ाई और उन्हें भोजन भी कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कन्या पूजन में कोविड-19 प्रावधानों का पालन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृ शक्ति के प्रति आस्था रही है, उसके प्रतीक में कुंवारी कन्याओं के पूजन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी का त्यौहार सत्य, न्याय और धर्म के विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने और न्याय के मार्गदर्शन करने पर हमेशा विजय होती है। इस बात की प्रेरणा विजयदशमी का पर्व देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामराज में जाति, मत और मजहब की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने कहा कि त्यौहार जिंदगी में सुख समृद्धि लाता है, लेकिन जोश में होश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचने के लिए दो गज की दूरी व मास्क है जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी त्यौहारों को मनाएं, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, शारदीय नवरात्रि की नौवीं की प्रशस्त तिथि में अभी नौ दुर्गा स्वरूप नौ कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का यह कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के
पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म सत्य और न्याय की स्थापना के लिए रामराज्य की स्थापना की थी। रामराज्य की उस अवधारणा को जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभेद भेदभाव न हो, जिसमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग का एक अवसर होता है, लेकिन जोश में होश खोने की आवश्यकता नहीं। हमें COVID-19 के जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इसका पालन करते हुए ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, नियंत्रित हुई है और मामले काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन यह वह समय है जब हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी और उस सावधानी की दृष्टि से हम COVID-19 के प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए विजयादशमी के आयोजन को उल्लास के साथ उमंग के साथ जोश और होश के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ।